छिंदवाड़ा के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों का हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। अभिनंदन और आभार इस बात के लिए व्यक्त करता हूँ कि कल डीडवाना में एक छोटी सी आवाज लगाई गई थी कि डीडवाने को नागौर से अलग एक जिला बनाने के लिए अपने को बंद रखकर के समर्थन करना है। साथियों, छोटी सी आवाज में बड़े व्यापारी तो बंद रख सकते हैं, आज नहीं कल आ जाएंगे उनके पास उनके ग्राहक, लेकिन मैं जो छोटे व्यापारी है जो हाथ चला चला करके दिन की मजदूरी करके शाम का पेट भरते हैं, उनका तहे दिल से बार बार अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने भी भरपूर सहयोग दिया इस बात के लिए। मैं फिर एक बार डीडवाना की इस कमेटी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि ऐसे बीड़े को आपने उठा करके इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया है। अभी तो मैं सुन रहा था, सुबह से कह रहे थे लोग कि अभी पक्की न्यूज नहीं है, लेकिन जब पक्की न्यूज बन जाएगी उसके बाद तो अपने पास कोई चारा भी नहीं रहेगा। इसलिए ये न्यूज पक्की नहीं बने इसके लिए आंदोलन थोड़ा तेज करना पड़ेगा, और इस आंदोलन को तेज करने के लिए मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जिसमें ऐसे ऐसे वक्ता बोल गए कि मेरे पास कोई शब्द अब बाकी रहे नहीं। डीडवाना का इतिहास भागीरथी यादव ने 1933 में लेकर के 2022 तक का बता दिया, 23 अब चल रहा है। इससे पहले महावीर जी भाई साहब ने बता दिया, सुरेश जी वर्मा सीनियर नेता है उन्होंने बता दिया, जितेंद्र सिंह जी जोधा साहब ने बता दिया, और आपके एमएलए साहब भी आ गए उन्होंने भी बता दिया। मैं आपको जो बात हो गई उनकी पुनरावृत्ति नहीं करते हुए आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप भागीरथी यादव ने भी आपको विश्वास दिलाया है, ये भी जनप्रतिनिधि है, इन्होंने कहा था कि मोला सर में 27 सरपंच है, तो मैं भी आपको इस बात का विश्वास दिलाकर जाता हूँ। मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि लाडनू की पंचायत समिति में 34 तो सरपंच है, 19 पंचायत समिति सदस्य, एक प्रधान जी है जो हमारे 19 में आते हैं, उनको साथ लेकर के आने को और आपका सहयोग करने के लिए मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी डीडवाना का ये छोटा भाई लाडनू आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा मिलेगा। इसलिए मैं आपको फिर एक बार आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप ये मत सोचना कि डीडवाना अकेला है, चुनाव लड़ा था आप, ये मत सोचना लाओ चाला कुछ से गंदा मिलाकर खड़ा है। आज भी आपने तो हटा दिया, अगर आप विशेष करते तो मैं दावे के साथ कहता हूँ लाडनू का हर गांव कंधे से गंदा मिलाकर खड़ा रहने के लिए तैयार है। इसलिए आप ये मत सोचना कि हम अकेले संघर्ष करते हैं, लाडनू भी आपके साथ है। धन्यवाद।